विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज महाराष्ट्र भाजपा ने जमकर मिठाई बांटी। शुरुआती रुझानों को देखकर कांग्रेस के मुख्यालय में मिठाइयां तक बंटना शुरू हो गई थी। सभी नेता और कार्यकर्ता ये मान चुके थे कि हरियाणा का यह रण वह जीते चुके हैं। इसके ठीक एक घंटे बाद जैसे पासा ही पलट गया। रेस में पिछड़ती भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई तो वहीं कांग्रेस दफ्तर से लोग गायब हो गए हैं और वहां एक सन्नाटा सा पसर गया है। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई। पहले दो घंटे के शुरुआती रुझान यह इशारा कर रहे थे कि 10 साल बाद कांग्रेस के सिर ही जीत का सहरा बंधेगा। तब कांग्रेस 55 से 59 सीटें तो वहीं बीजेपी को 16 सीटें मिलती दिख रही थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं में पवन खेड़ा, जयराम रमेश समेत कई दिग्गज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए थे। सबने एक मन से कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो मेन दफ्तर के बाहर ढोलन गाड़ों के साथ मिठाइयां भी बांटनी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाते दिखे और अंत में भाजपा ने एक बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एक समय जीत का दावा करने वाली पार्टी के लिए अगले एक से दो घंटे में कहानी बदल गई। 16 सीटों पर सिमटती दिख रही बीजेपी ने अगले कुछ पलों में बाजी ही पलट दी। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आगे दिखी तो वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 50 से घटकर 36 पर पहुंच गया है। रुझान अपने पक्ष में न होता देख दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में भी लोगों की खुशी मायूसी में बदल गई। पार्टी के बाहर जश्न की तैयारियां शुरू कर देने वाले लोग अब गायब दिख रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रुझानों में पलटी का असर साफ दिख रहा है। पार्टी दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है।